और आभार आप लोगों के बीच श्री दिवेंद्र जी को पहुंच चुके हैं। नमस्ते भाई साहब, साइड दे दो, साइड थोड़ा सा, चलो भाई साहब, चलो धक्के मारो, धक्के। को आप मजबूत करना, दैट्स ऑल, थैंक यू दिल से। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक रहे आदरणीय डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज जी, हमारे दादरी से पूर्व विधायक रहे आदरणीय प्रोजेक्ट, और जैसे उन्होंने कहा कि वो हमारे पुराने परिवार के उत्तराधिकारी, पुराने परिवार के सदस्य हैं जिनकी अपनी एक पहचान है पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश के व्यापारियों के लिए जिन्होंने एक बहुत लंबा जिनका संघर्ष है। हम प्रदेश से कोने कोने में जाते हैं, हर शहर में तो लोग मिलते हैं, प्रदेश के अंदर जिनका अपना जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है उस संघर्ष से, और आपके भी पुराने परिचित हैं और हमारे भी पुराने परिचित हैं, और मैं उनको बहुत आज के कार्यक्रम की एक सफल कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत अशोक जालीवाला जी को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसे एक एक से आपने इंट्रोडक्शन कराया, काफ़ी देर तक इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम चला और यही संवाद का प्रोग्राम था। आज ये जो हम यहाँ पे एकत्रित बैठे हैं, ये सारी दीवानी की क्रीम यहाँ पे बैठी हुई मैं देख रहा हूँ, और सारी क्रीम को एक साथ यहाँ पर एकत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं उनके प्रयास रहे, उन लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप सब आए, तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। अशोक भाई साहब को बहुत बहुत आज के कार्यक्रम के लिए उनको बधाई देता हूँ। ज़्यादा कोई लंबी भाषण या स्पीच की कोई बात आज का कार्यक्रम नहीं है, आप सब अच्छी जानते हैं, मैं एक दो बातें कहूँगा। जहाँ तक प्रदेश की बात है, मुझसे ज़्यादा आप सब पिछले 9 साल से जो प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली रही है उससे आप सब ज़्यादा परिचित। 9 साल का जो सफर रहा हरियाणा में बीजेपी पर बीजेपी जेजेपी सरकार का, आज जो हरियाणा 2014 से पहले विकास दर में देश में नंबर एक पे होता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर एक पे हरियाणा का नाम था, खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात हो, खुशहाली की बात हो, भाईचारे की बात हो, हरियाणा की मिसाल दी जाती है। आज वो हरियाणा विकास के सारे पैरामीटर्स में पीछे हो गया, विकास दर नीति आयोग के अनुसार 19वें नंबर पर विकास दर हरियाणा की, यानी कि विकास की पटरी से उतर गया, और नंबर एक पे अगर आज है तो बेरोजगारी में आज प्रदेश, हमारा प्रदेश देश में नंबर एक पे पहुँच गया, क्योंकि ना तो कहीं औद्योगिक क्षेत्र नया लगा, कोई IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप या औद्योगिक क्षेत्र या कोई बड़ा थर्मल का कोई कारखाना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जमीन एक्वायर ही नहीं करेंगे, जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, और एक दशक बीत जाए कि कोई जमीन एक्वायर नहीं तो इंडस्ट्री तो कोई हवा में नहीं लगेगी, तो ना तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया आया, ना प्राइवेट के अंदर रोजगार का अवसर मिला उस हिसाब से, और ना ही कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स, कोई जितनी आई वो भर्ती घोटालों के भेंट चढ़ गई, उनमें से आधे से ज़्यादा ये स्थिति हो गई। बेरोजगारी में आज हरियाणा का नाम देश में नंबर एक पे, अपराध में आज जो हरियाणा अमन चैन शांति का प्रतीक था, आज वो अपराध में देश में हरियाणा का नाम, अलग अलग अपराध के जितने भी मापदंड इनके आते हैं, मर्डर रेट, फिरौती का रेट, किडनेपिंग का रेट, तो उसमें हरियाणा देश के टॉप 3 के राज्यों में आज आ गया। बेरोजगारी भी कनेक्टेड बातें, और महंगाई, हर घर का बजट बिगड़ गया, आपके सामने है, 400 रुपये पे सिलेंडर होता था गैस का सिलेंडर, तब ये नारा था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब वो 400 रुपये से कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, 3 गुना हुआ है कि डबल हुआ है वो तो अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं, तो खैर मुझे बता। और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया,
खास तौर पे जो दूसरी सरकार बनी बीजेपी और जेजेपी की, ये तो भ्रष्टाचार के आधार पे सरकार बनी, भ्रष्टाचारी के लूट की छूट के आधार पे सरकार बनी। सबके सामने है ये महकमे आपस में जो बांटे गए, वो इस बात पे महकमे नहीं बटेगी कैसे प्रदेश को आगे लेके जाओ, इस बात पे महकमे बांटे गए कि कौन से महकमे से खुद की कमाई कितनी ज्यादा हो। और ये हम नहीं कह रहे, ये जो है बीजेपी और जेजेपी के विधायक कह रहे हैं। एक नारनौंद के विधायक है दादा गौतम, आपने नाम सुना होगा, राम कुमार गौतम जी, उनका बयान आया जब ये समझौता हो रहा था, तब ये समझौता हो रहा था, बयान आया कि भाई खोपर सरकार में बढ़ गया और एक लाई सब्जेक्ट सारा जीवन लग रहा है, उनका बयान है, हमने नहीं कहा। उनके खुद के विधायक कह रहे हैं कि भाई एक खोपर है, खोपर एक लाई। मैं मांग करता हूँ कि जांच होनी चाहिए, कौन तो खोपर है और कौन क्या जीव रहा है, जीव क्या रहे, यानी कि कहने का मतलब भ्रष्टाचार। इस आधार पे महकमे बांटे गए, इस आधार पे समझौता हुआ, इस आधार पे गठबंधन, और चार साल तक गठबंधन को लोगों की याद आई नहीं। अब गठबंधन को लोगों की कुछ याद आई है, मुख्यमंत्री जी 9 साल में पहली बार संवाद के कार्यक्रम में, ना तो 9 साल से संवाद के कार्यक्रम में क्यों नहीं निकले, निकलना चाहिए था, लोगों के बीच में आना चाहिए था, लोगों का समझना चाहिए था लोगों की क्या आशाएं आकांक्षाएं हैं। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिल्ली के 3 तरफ हमें, मगर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, कोई इस बात का प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि हरियाणा में इतनी बेरोजगारी, इतना प्रश्न। तो ये आज मैं समझता हूँ कि 4 साल हमारे संविधान के अनुसार, 5 साल में चुनाव होता है, 4 साल सरकार के होते हैं, सरकार काम करने के, तो आखिरी 1 साल सोचने विचारने का होता है और मन बना के भविष्य का फैसला करने का होता है। तो आज आपका और हमारा सोचने विचारने का ये समय है। मैं मानता हूँ कि आने वाला समय में परिवर्तन, पूरे हरियाणा में परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है, आपका आशीर्वाद मिलेगा और विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। यहाँ तक कि भिवानी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत लोगों को ये पता भी है। वैसे ही बोल लेता हूँ, वैसे ही आवाज आ रही है मेरे का, बोल लो तो जहाँ तक भिवानी की बात है, आप में से बहुतों को पता भी है, लेकिन भाई ये सही है कि भाई सांगी गांव मेरी जन्मभूमि हो सकता है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है वो जो है जन्मभूमि कहलाती है। लेकिन जो है अगर कर्म भूमि, क्योंकि आदमी की जहाँ शिक्षा होती है वो किसी भी व्यक्ति की कर्म भूमि होती है। और जो है ये भाई ये जो है ये पवित्र धरा है जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इस सृष्टि को दिया था और हमारी सभ्यता संस्कृति को दिया। कर्म भूमि का स्थान जन्म भूमि से भी उच्च स्थान माना जाता है, और ये वो जगह भिवानी। 4 साल इंजीनियरिंग अगर कहीं से मैंने किया तो ये TIT कॉलेज भिवानी से, और वो जो है भिवानी के एक गली के साथ जो एक जो है, क्योंकि आप कहीं से अपना कहीं कॉलेज पढ़ लो जाके, जहाँ से आप कॉलेज पढ़ोगे, जहाँ से पढ़ाई होगी, वहाँ आपको उस जो है मैं समझता हूँ उस शहर से कहीं ना कहीं आपके दिल में एक भावनात्मक ऐसा लगाव और प्रेम की भावना। तो ये जो शहर है भिवानी शहर, इसकी एक एक गली है, इस एक एक गली के अंदर मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो है शिक्षा काल को मैं देखता हूँ, पाता हूँ, क्योंकि ये आदमी वही जो रहा होता है वो समझ सकता है। घंटा घर पर रौनक का क्या अर्थ है, या वो या तो जो भिवानी में रहा है वही जान सकता है, बाकी कोई जान नहीं सकता। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक भावनात्मक लगाव है, और इसीलिए हालांकि डॉक्टर साहब यहाँ से विधायक थे, मैं उस समय फर्स्ट टाइम MP बना था, MP बनते ही ड्यूटी आदमी की जो लोकसभा क्षेत्र है, मैं केंद्र सरकार से अपने पर फोकस ज़्यादा, उस समय मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा सारी जगह नहीं, मैं तो अपने लोकसभा क्षेत्र में फोकस था, लेकिन अपने भिवानी के लिए आप कहीं सबसे पहले, क्योंकि आपको याद है वो जो अपना जो तोशाम फाटक पे, रेलवे फाटक पे, क्योंकि वो दर्द जिसने TIT में को जो क्लासेस पढ़ी हूँ, और भाई घंटा वहाँ रुक के जो है ना वहाँ पे आधा आधा घंटा रुक जाए और आगे क्लास छूट जाए,
तो आप मेरे को किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा भाई वो फ्लाईओवर सबसे पहले मैं पहले पहले कोई फ्लाईओवर वहां पर मंजूर कराएंगे, फिर मैं कुछ अपना लोकसभा क्षेत्र में कोई काम जो है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है, और जो प्रयास हो सकते थे वो प्रयास किए गए। आज फिर एक मैं समझता हूँ एक उस मोड़ पे हरियाणा है जब विकास की तरफ हरियाणा को लेके जाने की आवश्यकता है। लंबी बात में भाषण नहीं देना चाहता आज, मगर एक बात मैं विकास की कुछ प्रश्न सरकार से पूछते अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि विकास की बात जरूरी है। ये सरकार कहती है कि 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया सरकार को, पहले 70,000 करोड़ का कर्जा था 2014 तक, वो 3 लाख करोड़ का हो गया। चलो ठीक है कर्जा हो गया, लेकिन ये कर्जा तो ले लिया खट्टर साहब, मगर आप ये बताओ कि ये कर्जा किस चीज पे लिया। तो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया था, फरीदाबाद, गुड़गांव, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, आपने 1 इंच भी मेट्रो आगे बढ़ाई क्या? उस समय 3 रेल की लाइनें बची थी, जो खासी से लेके, चाहे वो रेल की लाइन हो चाहे वो जींद वाली रेल की लाइन, 3 बिछी थी, 3 मंजूर, आपने एक भी कोई 9 इंच रेल की लाइन कहीं बिछाई क्या? उस समय 4 थर्मल के कारखाने, एक हिसार में, खेदड़ में, एक यमुनानगर के अंदर, एक झज्जर के अंदर 4 थर्मल के कारखाने लगे 50,000 करोड़ की लागत से, आपने एक भी कोई बिजली का नया कारखाना लगाया क्या? आपने तो जो अदानी की बिजली हमने 2.94 रुपए में 25 साल तक का समझौता करके गए थे वो बढ़ा दिया, आज भी बिजली के भाव बढ़े हरियाणा के अंदर, उसका आपने कैबिनेट की मीटिंग बुला के वो जो 2.94 रुपए की बिजली थी उसको आपने रेट को बढ़ा दिया, जबकि 25 साल का समझौता था, देश में कोई कोर्ट भी नहीं, वो किसी को एक को फायदा दे रहे। तो हम एक कोई बिजली का कारखाना लगा क्या? हमारे समय 6 IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप प्रदेश में लगी औद्योगिक क्षेत्र, आपने एक कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा के, हमारे समय में 12 यूनिवर्सिटी जिसमें चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर भी, आपने एक कोई यूनिवर्सिटी बनाई क्या? खट्टर साहब आप संवाद पे तो निकले हो। हमारे समय में 6 मेडिकल कॉलेज जिसमें भिवानी का मेडिकल कॉलेज भी उस समय मंजूर हुआ, आपने कोई नया कोई मेडिकल कॉलेज एक बनाया हो तो आप बताओ, हमें जानकारी दो भाई आपने क्या विकास कार्य किए इन 9 साल में, और अगर आप संवाद पे निकले हो इन सारे बातों की जानकारी आप दो। अगर आपने नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि जनता सब जानती है, तो आज आपसे आशीर्वाद मांगते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार ये हरियाणा में बदलाव हो, विकास का पहिया हरियाणा में घूमे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भिवानी एक बहुत, मैं ये भी जानता हूँ बहुत पुराना इंडस्ट्रियल टाउन है हमारा, यहाँ पे बिरला की, ग्रासिम की, और बड़ा भारी टेक्सटाइल का सेंटर है, ये मैं ही जानता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई जो है ये सरकार, इस सरकार ने तो चलो 9 साल में कोई नहीं, हमारे समय 6 IMT बनी मानेसर के अंदर, जहाँ मारुति आई, रोहतक के अंदर जयशंकर पेंट आया, फरीदाबाद के अंदर IMT स्थापित हुई, खरखोदा के अंदर, तो ये 6 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आई जिनमें लाखों करोड़ का निवेश हुआ, इंडस्ट्री आई। खट्टर साहब ने तो कह दिया कोई इन्वेस्ट, कोई हम कहीं नया औद्योगिक क्षेत्र लगाएंगे, एक्वायर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके आशीर्वाद से अवसर मिला हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को, मैनिफेस्टो में मैं अपनी तरफ से एक चीज लिखवाऊंगा कि भाई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप सबसे बड़ी अब जो बने वो भिवानी के अंदर एक IMT बने, ताकि मैं समझता हूँ। तो बाकी तो कई बातें हैं वो एक एक बात तो क्या, मगर ये एक मेरे क्योंकि दिल में मेरे ये टीज, क्योंकि यहाँ पे ग्रासिम की इंडस्ट्री के अंदर जो है लूम का शटल चलाते हुए मैंने अपनी पढ़ाई करी है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो भाई ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भाई देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब, यहाँ पे बड़े बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र IMT, जैसे पिछली सरकार में मानेसर में बन गई, रोहतक बन गई, 1 IMT भिवानी के अंदर बने। ये सरकार से हम मांग भी करते हैं आज इसी के अवसर में, आज से पहले बात भी करी, मांग भी करते, चलो आपने एक भी नहीं बनाई हमारे साथ, आप एक बना दो भिवानी में मान जाएंगे आपकी सारी, मगर हमें पता है कि कितनी बनाएंगे कितनी बनाएंगे, लेकिन आपका ऐसा मौका मिला तो ये हमारे मैनिफेस्टो में आज हम एक डिक्लेयर भी करते हैं भाई, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सारे याद करते हैं सर जी, रेखा याद करती है, संदीप याद करता है, सब आप करते हैं। मैं भी ग्रासिम को भी याद करता हूँ, सीएम साहब ने कोई सवाल मीटिंग नहीं करी जी, 25-25 पास दिए थे और ये कह गया था ये सवाल करोगे आप,
कोई समाधान नहीं कर रहा साहब। देखो एमपी साहब इसको अशोक को देख लेना, बढ़िया तरीके से रखो इनको, बढ़िया ये काम करेगा सरकार के लिए, बहुत बढ़िया। अशोक भाई साहब वैसे सारी बात मैंने कह दी थी, एक बात अशोक भाई साहब भाई हमारे परिवार के सदस्य हैं, बड़े भाई हैं भाई, ये कभी इनको लग रहा है कि भाई मगर हमसे ना तो कभी हमने कभी ना इनसे दूर हुए थे, और इनका मान सम्मान अशोक जी का मान सम्मान हमारा अपना मान सम्मान है। दीपेंद्र भाई साहब है बात तो बताओ, हारी तो पांच पांच पेंशन मिला, कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी, इसके बारे में तो क्यों मैं बतावा रही।